हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है? आपको पता है कि रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एसी पावर सप्लाई दे रहे हैं, रेक्टिफायर के थ्रू जाएगा और हमें क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा। मीन्स रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब रेक्टिफायर आपने दो सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करके पढ़ा होगा, एक आपका है डायोड और एक है एससीआर। ठीक है, तो पहले के क्लासेस में आपने जो रेक्टिफायर पढ़ा था उस पर हमने डायोड का यूज़ किया था। ठीक है, पहले के जो सेमेस्टर में आपने पढ़ा था उस पर हम डायोड यूज़ करके रेक्टिफायर बनाते हैं। तो डायोड का यूज़ करके आप जो रेक्टिफायर बनाते हैं वो कैसा रहता है, आपका अनकंट्रोल्ड डिवाइस होता है, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एससीआर का यूज़ करेंगे। एससीआर हमारा कैसा डिवाइस है, कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, इसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम क्या होता है, हमारे हाथ में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड डिवाइस। डिवाइस का यूज़ करके हम जो रेक्टिफायर बनाएंगे वो क्या कहलाएगा, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि जो ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है उसका हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टील रोलिंग मिल्स में, पेपर मिल्स में, प्रिंटिंग प्रेसेस, टेक्सटाइल मिल्स, जहाँ पे भी आपका डीसी मोटर ड्राइव लगा है। ठीक है, जहाँ पे हम डीसी मोटर लगा है और हमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, आपका ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में जो आपका डीसी में वर्क करता है, ठीक है, पोर्टेबल हैंड टूल ड्राइव्स में, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में, अगर हमें डीसी ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका पावर एसी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले के केसेस में क्या होता था, पहले में कि अगर हमें डीसी पावर चाहिए तो हम किसका यूज़ करते थे, मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करते थे या फिर मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर का यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया, हमें क्या मिला, एक कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस मिला, थायरिस्टर, जिसके ऑन और ऑफ टाइम को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल जितने भी आप रेक्टिफायर्स देखोगे वहाँ पर हम कौन सा ये डिवाइस यूज़ करते हैं, थायरिस्टर, या फिर बोल सकते हैं इसी को हम SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब हम आगे के चैप्टर्स में क्या पढ़ेंगे, हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जब ये हम रेक्टिफायर स्टडीज़ करेंगे तो हमें क्या एज्यूम करना है कि अगर कोई भी SCR लगा है, डायोड्स लगा है, तो हमें हम उसको एज्यूम करेंगे कि वो एक आइडियल स्विच है। ठीक है, मीन्स देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम, उनके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और नो रिवर्स करेंट एग्जिस्ट अंडर रिवर्स वोल्टेज कंडीशन। अगर कोई रिवर्स बायस वोल्टेज है, रिवर्स बायस के केस में कोई भी रिवर्स करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, और होल्डिंग करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, होल्डिंग करंट आपका टर्न ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना है तो क्या रहता है, जो एनोड करंट की वैल्यू है वो इस होल्डिंग करंट से क्या हो जाए, कम हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि होल्डिंग करंट हमारा क्या है, जीरो रहेगा। ठीक है, अब फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है, आपको पता है कि एसी सप्लाई क्या रहता है, अल्टरनेट रहता है, पहले आपका पॉजिटिव रहेगा फिर आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, रिवर्स सप्लाई अप्लाई होता है। ठीक है, तो उस केस में एससीआर के अक्रॉस क्या क्या अप्लाई होगा, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होगा। तो हमारा एससीआर रिवर्स बायस की कंडीशन में वर्क करेगा क्या, नहीं, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसलिए जो कम्यूटेशन होते हैं रेक्टिफायर्स में वो कौन सा कम्यूटेशन होता है, आपका लाइन कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, नेचुरल कम्यूटेशन और लाइन कम्यूटेशन क्या बोलते हैं कि जैसे आप जैसे ये वेवफॉर्म देखो एसी का। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव साइकिल है और ये आपका क्या, निगेटिव साइकिल। तो जैसे ही ये निगेटिव साइकिल अप्लाई होता है, निगेटिव हाफ सप्लाई अप्लाई होता है, तो डिवाइस में कैसे अप्लाई होता है, ये ऐसा रिवर्स वोल्टेज, और रिवर्स वोल्टेज में हमारा एससीआर काम ही नहीं करता, तो एससीआर क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। इसी को ऑफ होने का ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइन कम्यूटेशन या फिर नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर।